जुगरेली अग्निकांड में पीड़ितों से मिले विधायक। बबेरू बांदा मामला। बबेरू विधानसभा के जुगरेहनी गांव का है, जहां दिनांक 2 जून 2022 को दोपहर 3 बजे अचानक आग लग जाने से करीब 2 दर्जन घर खाक हो गए और मोहनिया नाम की 60 वर्षीय महिला की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि महिला के पति भूरा की हालत गंभीर कानपुर में इलाज चल रहा है। इस भीषण अग्निकांड में 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपना आशियाना खो दिया है। किसी को अपनी लड़की की शादी करना था तो कोई अपने साल भर की खाने का सामान घर में रखे थे, दहेज सहित राशन खाने का पूरा सामान जलकर खाक गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे विधायक विशंभर सिंह यादव ने पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द जाना और अपनी जेब से 10,000 रुपए की नगद मदद कर मरहम लगाने का काम किया। श्री विधायक ने कहा कि जिस दिन अग्निकांड हुआ उस दिन बगल के ही आहार गाँव में सांसद डीएम सहित जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। इधर दलितों के आशियाने जल रहे थे, कोई आया नहीं। तब ग्रामीणों ने रोड जाम किया, उसके बाद एसडीएम आई और पीड़ितों की बात सुनी, लेकिन आज तक कोई सरकारी मदद नहीं हुई। श्री विधायक ने कहा कि ये सरकार गरीबों की दुश्मन सरकार है। मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों के मकान जले हैं उनको नया आवास और शादी के लिए अनुदान, खाने के लिए राशन कपड़ा आदि उपलब्ध कराए। विधायक ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान अखिलेश पाल, ज्ञान सिंह, कमल पाल, महेंद्र यादव, पुत्र सिंह राम मिलन यादव, राहुल यादव, संदीप यादव, सुमित अग्रहरी सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता बांदा। विधायक जी, आप जुगरेहली गांव आए हैं, क्या है मामला? जुगरेहली में 2 तारीख को शाम को 3 बजे दलितों की बस्ती में अचानक आग लग गई शाम, जिससे करीब 19 लोगों के घर जल गए परिवार के, जिसमें और परिवार के लोग हैं जो 26 लोग की संख्या, इनके घर जल गए पूरी तौर से। इनकी जो गृहस्थी का सामान सारी जिंदगी में इकट्ठा किए थे वो सब जल गया। किसी की बेटी की शादी थी, उस बेटी की शादियों का भी सामान जो खरीद करके रखा था वो भी जल गया। और एक महिला मोहनिया की मौत हो गई इस आग में जलने की वजह से, और उसका पति भरवा, जिसकी उम्र 65 साल है, वो गंभीर रूप से घायल है और कानपुर में उसका इलाज हो रहा है। लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, बगल का यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है आहार, आहार में जिलाधिकारी बांदा मौजूद थे और इस सरकार के सांसद आर के पटेल मौजूद थे। दोनों लोगों ने गांव आकर के इन गरीब को दलितों की दुख का हाल नहीं जानने की कोशिश की और इनके घर जलते रहे और वो मीटिंग करके हलवा पूरी खाते रहे। आना चाहिए था, देखना चाहिए था। अगर इन लोगों ने जाम नहीं लगाया होता सड़क पे तो जिला उप जिलाधिकारी भी नहीं आती यहाँ। जाम लगाने के बाद उप जिलाधिकारी आई और देख करके चली गई। अब तक सरकारी तौर पे कोई सहायता राशि नहीं दी गई इन गरीबों को, इन गरीब परिवारों को एक एक मकान दिए जाने की मांग करता हूं मैं। और इन गरीबों की जो गृहस्थी का सामान जला है और जो सामान इनका शादी और ब्याह के लिए रखा हुआ था, शादी अनुदान दिया जाए, जिन बेटियों की शादी थी और जो सामान जला है उसकी भी प्रतिपूर्ति करने का काम इस सरकार को करना चाहिए। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, जो सारे जीवन दुख और तकलीफों में जीते रहे हैं, जितना इकट्ठा किया था सब कुछ इनका जला।